यूपी के जनपद कानपुर देहात में वो कहावत जाको राखे साइया मार सके ना कोई के हर शब्द को डॉक्टर संजय त्रिपाठी और उनकी टीम ने सच कर दिखाया है, क्योंकि धरती के भगवान ये टैगलाइन नाम से नहीं बल्कि अच्छे काम से लोगों की निस्वार्थ सेवा से मिलती है। ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला जिसे हर बड़े अस्पताल से जवाब मिल चुका था, उसके पास मायूसी के सिवा कुछ न बचा था, फिर अंधेरे में एक किरण गौरी हॉस्पिटल के रूप में दिखाई दी। डॉक्टर संजय त्रिपाठी और उनकी टीम ने ऑपरेशन कर महिला के पेट से 4 किलो 900 ग्राम का ट्यूमर बाहर निकाला, जिससे न केवल महिला की जान बची बल्कि उसके परिवार में खुशियां दोगुनी हो गई। दरअसल कानपुर देहात के हांसेमऊ गांव के रहने वाले परशुराम एक ट्रक चालक हैं और उनकी पत्नी के पेट में दर्द लगभग 6 महीने पहले शुरू हुआ था। परशुराम ने अपनी पत्नी अर्चना को कानपुर देहात सहित नगर के बड़े अस्पतालों में दिखाया, लेकिन परशुराम को मायूसी के सिवा कुछ हाथ न लगा। सभी अस्पतालों से जवाब मिल जाने पर हताश होकर परशुराम अपनी पत्नी अर्चना को अपने घर हांसेमऊ ले गए और उनकी सेवा खुशामद करने लगे। अचानक परशुराम के एक रिश्तेदार ने गौरी हॉस्पिटल में मरीज को दिखाने की सलाह दी, जिसके बाद परशुराम अपनी पत्नी को लेकर गौरी हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय त्रिपाठी से मिले। डॉक्टर संजय त्रिपाठी और उनकी टीम ने मरीज को इन्वेस्टिगेट किया और फिर ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। जब ऑपरेशन के दौरान 4 किलो 900 ग्राम का जिंदा ट्यूमर निकाला गया तो उसे देख डॉक्टर भी हैरान थे। मैं डॉक्टर संजय त्रिपाठी, मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, हॉस्पिटल का मैं संचालक हूँ। आप डॉक्टर प्रशांत राजपूत हैं, वरिष्ठ सर्जन हैं आप। और एक पेशेंट हम लोगों के अर्चना नाम की पेशेंट आई और उनका एज लगभग 32-35 वर्ष के आसपास होगा, जिनको पेट में बड़ा सा ट्यूमर था, जो कई बड़े अस्पतालों में जाके उन्होंने अपने को दिखवाया और जांचें कराई। वहाँ पे उनको बिग साइज ट्यूमर बताया गया, हम लोग अपनी भाषा में उसको लंप बताते हैं। और एक्चुअली उस जो ट्यूमर की ओरिजिनली उसकी ओरिजिन जो थी वो राइट ओवरी से लेके पूरा एपिगैस्ट्रम में एक्सटेंड कर रहा था, काफ़ी बड़ा ट्यूमर था। तो जाँच वाँच करके उन लोगों ने बताया कैंसर जैसे लक्षण है, इसके ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, इसका उसको वापस भेज दिया। और पेशेंट के परिजनों के हिसाब से कई अस्पताल में गए और उनको कोई इलाज नहीं मिल पाया, लोगों ने मना कर दिया, बहुत परेशान थे वो लोग। फिर हम लोगों के अस्पताल में आए, उसको मैंने देखा और डॉक्टर प्रशांत राजपूत जी ने भी देखा। तो हम लोगों ने सारी जांचें करा के फिर उसके ऑपरेशन का प्लान बनाया। पेशेंट ऑपरेबल थी, CA125 उसका थोड़ा पॉजिटिव था, कैंसर के फीचर थे, लेकिन ऑपरेबल थी वो। फिर हम लोगों ने प्रॉपर एक टीम बनाई, उसका PAC किया, PAC में पेशेंट फिट थी, फिर उसको ऑपरेट किया और एक लगभग 4 किलो 900 ग्राम का ट्यूमर ऑपरेट करके डॉक्टर प्रशांत ने लीड किया और तो पूरी टीम ने निकाला। उसमें डॉक्टर प्रशांत राजपूत, ऑप्टिशियन गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा चौहान, अस्मिता एंड मेरे ICU क्रिटिकल मेडिसिन के डॉक्टर संदीप पांडे और हम लोगों के देख रेख में पूरा काम हुआ। पेशेंट बिल्कुल ठीक है, ईश्वर कृपा से एकदम स्वस्थ है और अगले 2-3 दिन में उसको डिस्चार्ज करने का प्लान करा रहे हैं। हालांकि मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है और परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। वहीं परशुराम डॉक्टर संजय त्रिपाठी और उनकी टीम को भगवान का दूसरा रूप बता रही हैं। पंजाब के TV के लिए कानपुर देहात से फरदीन खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।